तो सबसे पहले गाइस हमारे पास एक यूनिकॉर्न का पेंसिल पाउच है, काफी सुंदर पेंसिल पाउच है, काफी प्यारा। और इसमें देखो दोस्तों हमें कितना प्यारा की चैन मिल जाता है। चलो ओपन करते देखते हैं इसमें कितना स्पेस है। ऊपर गाइस हमें एक जिप मिल जाती है, ये देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस है। और इसमें दोस्तों हमारा काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हो हमें एक टेप मिलती है, टेप हटाते तो ये देखो, अरे वाह काफी सुंदर और काफी गजब। और यहाँ देखो दोस्तों हमें एक दो तीन तीन पेंसिल लॉक मिल जाता है दोस्तों, काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग। ये तो है हिडन पेंसिल लॉक दोस्तों, काफी जबरदस्त। और यहाँ देख सकते हो यहाँ पे भी हमें एक जिप मिल जाती है, ये देख सकते हो। और इसमें भी काफी अच्छा स्पेस है और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो आपको ये यूनिकॉर्न का पेंसिल पाउच कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखता हूँ, नेक्स्ट चीज का। तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास मरमेड प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स। ये काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है और ये मेटल की ज्योमेट्री बॉक्स है। और इस पेंसिल पाउच को मैंने 160 रुपीज का परचेज किया और इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने 180 रुपीज का परचेज किया। चलो ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो ऊपर वाले ढक्कन को ओपन किया, ऊपर वाले ढक्कन को ओपन करते ही गाइस हमें मिलता है पहले कंपार्टमेंट में दो सेक्शन। ऊपर वाले एक सेक्शन में हमें टेबल देखने को मिल जाती है और नीचे वाले सेक्शन में भी काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। चलो बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसमें हमें क्या मिला, अरे वाह काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग। इसके अंदर तो दोस्तों हमें एक बुक स्टैंड मिल गया दोस्तों, ये देख सकते हैं। इसमें गाइस हम अपनी बुक को रख के काफी इजीली से स्टडी कर सकते हैं, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग स्टैंड मिल गया, ये देख सकते हो। इस तरह से हम स्टैंड को सेट करेंगे, फिर इसके ऊपर बुक रखेंगे, फिर काफी इजीली से पढ़ सकते हैं दोस्तों। इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें बुक स्टैंड मिल चुका है दोस्तों, देख सकते हो काफी गजब काफी अमेजिंग। और बुक स्टैंड तो दोस्तों हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलता। तो आपको ये बुक सेल्फ ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज का। तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक बारहवीं की ज्योमेट्री बॉक्स, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। और यहाँ देखो दोस्तों हमें एक लॉक मिलता है, इस लॉक को खींचा तो ये देखो दोस्तों हमें एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है दोस्तों, काफी अमेजिंग काफी जबरदस्त। इसमें गाइस हम अपनी इरेजर या कुछ भी छोटी छोटी स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। और यहाँ पे देखो दोस्तों हमें एक होल मिलता है और ये देखो दोस्तों यहाँ पे भी लॉक है, इस लॉक को खींचा तो देखो दोस्तों इसमें हमें मिलता है एक शार्पनर कंपार्टमेंट, और वाह काफी अमेजिंग काफी जबरदस्त यार, ये तो काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। एक साइड तो दोस्तों हमें इरेजर कंपार्टमेंट मिल गया और एक साइड तो दोस्तों हमें शार्पनर कंपार्टमेंट मिल गया। चलो ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है इस ज्योमेट्री बॉक्स में। ढक्कन ओपन किया, ढक्कन ओपन करते ही इसमें हमें फ्री में एक गाइस पेंसिल मिल जाती है, साथ ही दोस्तों हमें 15 सेंटीमीटर का बारहवीं का रूलर भी फ्री में मिल जाता है। और ये देखो दोस्तों इसमें हमें मिलता है एक दो तीन, तीन पेंसिल लॉक भी मिल जाता है, काफी अच्छा स्पेस है इस ज्योमेट्री बॉक्स में, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो ये बारहवीं की ज्योमेट्री बॉक्स थी। चलो सेकंड ढक्कन को ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, देखते हैं दोस्तों कितना स्पेस मिल जाता है। तो पीछे वाले कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें मिलता है एक टाइम टेबल स्टिकर दोस्तों, काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। और इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो आपको ये बारहवीं की ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, कलर देख सकते हो कितना जबरदस्त कितना अमेजिंग है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते ये देखो दोस्तों इसमें हमें मिलता है एक काफी बड़ा पॉकेट, ये देखो अरे वाह काफी जबरदस्त, जिसमें गाइस हम अपना क्लास शेड्यूल लिख सकते हैं और इसमें गाइस हम अपना आईडी कार्ड भी लगा के रख सकते हैं इस पॉकेट के अंदर। और ये देखो दोस्तों इसमें हमें काफी अच्छे और काफी प्यारा और काफी सुंदर क्वालिटी का दोस्तों पेंसिल लॉक मिल जाता है, देख सकते हो काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें एक दो तीन तीन सेक्शन भी मिल जाता है। और यहां देखो दोस्तों हमें क्या मिला, ओहो वाओ शार्पनर यार, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग शार्पनर मिल गया ये तो, ये देखो दोस्तों ओहो वाओ। और ये शार्पनर तो है कमोड लुक में, वो ये देखो दोस्तों कमोड लुक में शार्पनर मिल गया, काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग सा दोस्तों। ऐसा शार्पनर तो दोस्तों हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलता और देख सकते हो यहाँ पे भी काफी अच्छा स्पेस है। इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। चलो बंद करते हैं, बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। बैक साइड के ढक्कन को ओपन किया तो ये देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस, इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो ये थी आज की चार ज्योमेट्री बॉक्स। आपको चारों ज्योमेट्री बॉक्स या एक पेंसिल पाउच में सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे से कलेक्शन के साथ, अच्छे से अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।